नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम दोस्तों, मैं दीपिका क्रेजी कुकिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि 10 मिनट में ब्रेकफास्ट कैसे बनाया जाता है। आज हम बनाएंगे चिड़वा। चिड़वा बनाने के लिए हमें चाहिए भीगा हुआ चिड़वा, बारीक कटा टमाटर, प्याज, आलू, देगी मिर्च, मटर, नमक, कड़ी पत्ता, सरसों, हल्दी, घी और धनिया पत्ता। फ्राई पैन में घी डालें। घी गरम हो गया है, आप इसमें प्याज डालें। अब कड़ी पत्ता और सरसों डालें। और अच्छी तरह से मिलाएं। अब कटे हुए आलू डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार देगी मिर्च डालेंगे, कटे हुए टमाटर डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम मटर डालेंगे और अच्छी तरह से सब चीजों को मिक्स करेंगे। हमारी सारी सब्जियां अच्छी तरह से मिल गई हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। 5 मिनट के लिए इसे ढक के रख दें ताकि ये स्टीम में सारी सब्जियां अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखिए हमारी सब्जियां गल गई हैं। अब इसमें हम भीगा हुआ चिड़वा डालेंगे। और अच्छी तरह से मिलाएंगे। दस मिनट में हमारा चिड़वा तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नीचे बने लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।